हेलो फ्रेंडा, वेलकम टू ठंडा। आप सभी को नए साल का बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम लोग चलेंगे मंदारहिन पर्वत घूमने के लिए, आप लोग भी आइए, वेलकम है आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये स्टेशन है भागलपुर, और यहाँ से जो है आपको आसानी से गाड़ी मिल जाएगी आपको मंदारहिल पर्वत जाने के लिए। यहाँ से बांका के लिए आपको गाड़ी मिलेगी जो कि 10 बजे है। एक गाड़ी मेरा मिस्टेक हो चुका है, वो गाड़ी 8 बजे था और हम लोग लेट से आए, जिसके वजह से देरी हो गया और गाड़ी छूट गई, मिस हो गया। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए मंदारहिन पर्वत स्टेशन। देखिए स्टेशन, अब जाएंगे हम लोग पहाड़ पे। चलिए हम लोगों के साथ आप भी। टीम डाल दिए थे, नीचे उतर चुके हैं और यहाँ से जो है टोटो के लिए हम लोग आए। इधर देखते हैं टोटो। मंदारहिल स्टेशन है दोस्तों, एक गलती की वजह से जो है ना 1000 रुपया का लॉस हुआ है हमको, सिर्फ इसके वजह से, आप समझ सकते हैं। हम ऐसे आ गए हैं यहाँ पे मंदारहिल स्टेशन पर से, आपको 100 रुपया भाड़ा भी है, 1100 रुपया हो गया टोटल, और हम लोग को टोटो मिल चुका है, पहुँच रहे हैं वहाँ। कोई कुछ कर ले ये प्यार हो के रहता है, अकेल हो जाती है चैन उड़ जाता है, लग जाती है। ये मसूदन मंदिर है, ये बौसी में ही पड़ता है एरिया। इसमें मेला का तैयारी हो रहा है जो कि 15 जनवरी को लगता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कला भवन है, इसमें प्रोग्राम वगैरह होता है। क्या छोड़ लाई मैं, आ चुके हैं मंदारहिन पर्वत के पास, और हम लोग अभी तुरंत आए हैं इसलिए सोचे कुछ होटल में खा लें। तो ये रहा गांव का होटल, देख लीजिए आप लोग, चारों तरफ घुमा के दिखा देते हैं, देखिए कितना अच्छा है गांव का होटल, बहुत ही अच्छा, हमको तो बहुत पसंद आया। और हम लोग भी धूप में बैठे हैं, ठंडी है। भोज खिलाया जा रहा है, होटल नहीं है ये, भोज भोज खिला रहा है, मुफ्त में मिलेगा भोज आपको। तो ये एक कहावत नहीं है, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, तो इतना ऊंचाई है पर्वत का, विकिपीडिया के अनुसार बात करें तो 700 मीटर बता रहा है, और ऐसे बोलचाल की भाषा में लोग बोल रहा है 800 किलोमीटर किलोमीटर नहीं, 800 मीटर है। जब पहाड़ के पास जाएंगे ना, तब दिखाएंगे पहाड़ पे चींटी कैसे चढ़ रही है, उस समय बोलेंगे चींटी चढ़ी पहाड़ पे। सब चीज पहले मिलेगा, खाना बाद में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी भूख लग गया होगा, तो कुछ खा लिए होंगे। मेला का तैयारी हो रहा है ना, आज से ही स्टार्ट है। आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, अब बहुत अच्छा बना दिया गया है ना पर्यटन के लिए। नारे काफी बदलाव हुआ है दोस्तों, यही तालाब है दोस्तों। पानी को नजदीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वो मंदिर है, यही वो पपहरनी तालाब है, यहाँ जो नहाता है स्नान करता है उसका पाप हर लिया जाता है। कृपया आप लोग भी आए, जितना भी लोग हो पाप किए होंगे तो यहाँ आकर अपना अपना धो लीजिए। इधर देखिए दोस्तों, सजावटी के साथ साथ काफी मात्रा में भीड़ जुटा हुआ है। आज 1 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी आदमी उमर के आया है, और ये क्षेत्र घूमेगा और यहाँ का आनंद ले रहा है।
आज से मेला का सिलसिला चालू रहेगा। आप देख सकते हैं 15 दिन ये मेला रहता है। तो ये जो आप सीन देख रहे हैं पहाड़ का ही अंश है ये, और ये आप देखते होंगे समुद्र मंथन जब हुआ था दानव और देव के बीच, ये वो है ना, इधर देव लोग और इधर राक्षस लोग। दोस्तों यहाँ से जो है लिफ्ट का सुविधा है, ठीक है, चलेंगे देखते हैं क्या है भांज क्या व्यवस्था। दोस्तों भीड़ इतना ज़्यादा हो गया है कि नहीं तो आपको लिफ्ट में मिलेगा आपको टिकट लिफ्ट का, नहीं आपको रास्ता मिलेगा पैदल जाने का पहाड़ पे। तो फिर भी हम लोग पैदल देखते हैं कहाँ तक जाने का मन होता है, जहाँ हिम्मत हार जाएंगे लौट जाएंगे। ठीक है, कुछ दूर चलेंगे आप लोग के साथ वीडियो साझा करने के लिए। अभी कुछ काफ़ी शोरगुल है और इस वजह से वीडियो थोड़ा सा कम बनाएंगे शोरगुल की वजह से। ये चढ़ाई है दोस्तों और इधर जो है बैक साइड। आवत सच हो गया, चींटी चढ़ी पहाड़ पे। देखिए पहाड़ पे कितनी सारी चींटियां चढ़ी है और चींटा चढ़ा है। आवत सच हो गया, ये है मंदार हिल पर्वत। मैं कुछ ही दूर आई और थक गई हूँ, ये मंदारिन पर्वत घूमने आई थी, थक गई बहुत चढ़ते चढ़ते। लिफ्ट में सोचे थे चढ़ेंगे लेकिन इतना भीड़ है कि टिकट मिलते मिलते हम लोग को शाम हो जाता है, इसलिए सीढ़ियों से ही आ रहे हैं। मिडिल चोटी पे दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं। मिडिल इसलिए बोले क्योंकि ये बीच वाला हिस्सा है, देख सकते हैं आप, और यहाँ से आपको दृश्य दिखाता हूँ मैं, इधर देख सकते हैं। भीड़ में फंसे हुए हैं मोई मोई करने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं धूप काफी तगड़ा है और धूप के साथ जो है भीड़ भी काफी तगड़ा है, ठीक है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा परेशानी है पर अच्छा है। तो लिफ्ट में तो और ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब 120 रुपया जाने और आने का उसका चार्ज है। भीड़ के वजह से जो है दोस्तों हम लिफ्ट नहीं लिए और ये लाइन में लगना नहीं पसंद है। ये पूरा जो है जुत्तम गिरी पर हम लोग पहुंच चुके हैं नजदीक। देखिए इतना ऊंचाई पे गाय और इसका सिंह देखिए। को कुछ नहीं मिला खिलाने के लिए, कुरकुरे मिला। कैसा रहा सफर? इसी से आने वाले थे, देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन से मजा से जा रहा है ऊपर ऊपर है ना। लास्ट चोटी पे आके छोड़ता है वहाँ पे मंदिर के पास। कर ले हर मैदान फतेह। तो फाइनली हम लोग
पहाड़ का मेन चोटी जो है वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। देखिए पूरा लास्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे यह मंदिर है मेरे पीछे, दिगंबर का है, जैन दिगंबर मंदिर जो है, दो संप्रदाय में जो बटा हुआ था जैन धर्म, वो था श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये दिगंबर संप्रदाय का यहाँ पे एक मंदिर है। ये पीछे में आपको देख सकते हैं, वो अभी थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। पहुँच चुके पूरे एक घंटा पक्का पक्की लगा, पैदल ही आए क्योंकि टिकट में जो है ना काफ़ी भीड़ था, वो आप लोग जानते हैं। अभी देखिए इधर यही टेम्पल है,